नमस्कार, जय श्री राम। 155th एपिसोड में आपका स्वागत है। टॉपिक, मन कैसे मरेगा। 19 मई 1960 को आगरा में किया गया प्रवचन। दुनिया मुसाफिर खाना है, किसी का ना यहाँ ठिकाना है। मोहब्बती मेहमान सदा जानण पाण के, ब्रिस काल कुल्हन ते रातो दीहा साण। रखे न रतिये जेतरो मन में ममता माण, पाए पद निर्वाण शीतल थियो सामी जबे। करे कूच वया सभी संसार मा, पीर पैगंबर औलिया जिन पहजा पंथ कया। ज्ञानी ध्यानी गृहस्थी सामी पंथ पया, सभी गैब थिया तो छा या तो पाण खे। आज या कल सबको यहाँ से चले जाना है। या तो ये साजो सामान हमारे होते हुए चले जाएंगे, अथवा हम इनको छोड़कर चले जाएंगे। एक बार की बात है कि एक जमींदार की भैंस कोई चोर चुरा ले गया। पुलिस में रिपोर्ट हुई। पैरों के निशान के सहारे वे सब एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां बताए फकीर की कुटिया थी। जमींदार ने दूर से ही बताए फकीर को पहचान कर सूबेदार व दूसरे पुलिस वालों से कहा कि आप यहीं रुको, मैं बताए फकीर से चोर के बारे में पूछ आता हूँ, शायद चोर यहीं से गया हूँ। जमींदार ने आगे पूछ कर बताए फकीर को प्रणाम किया। बताए फकीर ने जमींदार की आवभगत करने के बाद उससे पूछा कि भाई क्या ढूंढ रहे हो, क्या खुदा को ढूंढने आए हो। इस पर जमींदार ने उत्तर दिया कि स्वामी, रात को चोर मेरी भैंस चुरा ले गया है। इधर जंगल की और उसके पैरों के निशान हैं। आपको चोर के बारे में कोई जानकारी है क्या? आपने उसे देखा तो नहीं? जमींदार का प्रश्न सुनकर बताए फकीर कहने लगा कि भाई, मैंने चोर को तो नहीं देखा है, बाकी मैंने उसका ठिकाना देखा है। कहो तो वहाँ ले चलूँ। यह सुनकर जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ तथा एकदम उसके चरणों पर गिरकर कहने लगा, कृपया करके हमें उसका ठिकाना दिखाइए, फिर वह अपने आप पकड़ में आ जाएगा। यह सुनकर बताए फकीर चलने लगे, और फिर आगे आगे बताए फकीर और पीछे पीछे पुलिस व जमींदार पैदल चलते चलते एक कब्रिस्तान में आ पहुँचे। कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े होकर बताए फकीर कहने लगा कि यह है उस चोर का ठिकाना, आखिर कभी ना कभी तो वह यहाँ आएगा। मुझे खुदा की कसम है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, यही उसका असली ठिकाना है। पुलिस यहाँ खड़ी रहें, फिर उसके निशान द्वारा उसे पहचान ले कि यही है ना। जमींदार व पुलिस बताए फकीर का प्रतापन सुनकर कुछ ना कह सके। मन में सोचने लगे कि यह फकीर सत्य ही कह रहा है, अंत में सबका असली ठिकाना यही है। फिर उसे नमस्कार करके सब चले गए। बताए फकीर वाली बात अनुसार आखिर हम सबको भी शमशान भूमि में जाकर निवास करना है, इसलिए क्यों ना आज ही सोचें तथा स्वयं को मुसाफिर समझकर चलें। स्वयं को मालिक कहलवाते हैं तभी तो दुखी होते हैं। यदि हम स्वयं को मुसाफिर समझें तो दुखी ही क्यों हुए। दुख है मालिक बनने में। यदि मालिक बनेंगे ही नहीं तो फिर दुख सुख काहे का। हम तो ये बाहरी पदार्थ हैं ही नहीं, हम तो सच्चित आनंद स्वरूप जगमगाती ज्योत हैं, सबके साक्षी हैं। प्रभु से प्यार। कभी हमने यह विचार किया है कि हमारा प्रभु से कितना प्यार है? कोई किसी से पूछता है कि तुम्हें कितनी संपत्ति है, कितना बड़ा परिवार है, परंतु यह नहीं पूछता है कि तुम्हें प्रभु से कितना प्यार है। कोई 10 जने श्री कृष्ण के पास दर्शन करने गए। जब वे 10ों वहाँ पहुँचे तो श्री कृष्ण ने प्रत्येक से पूछा कि भाई कैसे आए हो। वे श्री कृष्ण से कहने लगे कि प्रभु आपसे मिलने आए हैं। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ये बताओ कि तुम में से प्रत्येक ने मेरे लिए क्या क्या किया है। उनमें से एक कहने लगा, मैं मंत्रों का जाप करता हूँ। दूसरा कहने लगा, मैं तपस्या करता हूँ। तीसरे ने कहा, मैंने पूरी उम्र तीर्थ यात्रा की है, कई तीर्थों का रटन किया है। किसी ने कहा कि मैं नियम पूर्वक व्रत रखता हूँ। इस प्रकार सब ने अपनी अपनी प्रशंसा करते हुए कुछ ना कुछ कहा। अंत में जब 10 का नंबर आया तब श्री कृष्ण उससे पूछा कि भाई तुम भी हमें बताओ कि तुमने हमारे लिए क्या क्या किया है। श्री कृष्ण का सिर्फ इतना कहना और वह आदमी जोर जोर से रोने लगा। वह आंखें झुकाकर कहने लगा, प्रभु मुझे तो अपने हाल पर रोना आ रहा है, आप सबके दिलों के मालिक हो, मैं क्या कहकर बताऊं? भाई कुछ तो बताओ। श्री कृष्ण बोले, प्रभु क्या बताऊं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर आपको क्या बताऊं? जीता समुद्र सागर नीर भरिया, तेता अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपायो डूबते पत्थर तारे। मैं तो पैरों के नाखून से लेकर सर तक दोषों ही दोषों से भरा हुआ हूँ। अदल करीता मेडी वाह नाकाई, फजल करीता मैं जीवा, चार ई पलै चिक में, कहड़ी कहड़ी धोवा, मैल घनेरी मैं खड़ी तड़ते रोवा। उसको सिर्फ इतना कहना था श्री कृष्ण का उसे गले से लगाकर कृतार्थ कर देना। कदहें माकोड़ी कदहें केहर शीह, सरतियों सारो डीह, हुयू हित न जेकड़ी। मन ही हमें सुखी करता है, मन ही हमें दुखी करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मन को अपनी ताकत बिल्कुल नहीं है, उसे आपकी ही ताकत है। पावर हाउस की सत्ता के कारण ही भिन्न भिन्न स्थानों पर बिजली जलती रहती है तथा विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी बल्ब जलते हैं। वास्तव में बल्ब को अपनी कोई सत्ता है ही नहीं, इसी प्रकार मन को भी अपनी कोई सत्ता नहीं है। चंचल बालक की भांति आपने इसे चंचल कर दिया है।
बुरे संकल्प विकल्पों के कारण मन मलिन होता है। चाहे तुम हजारों प्रतिज्ञाएं करो, हजारों जाप करो, हजारों व्रत आदि रखो, परंतु यदि मन मलिन रहा तो सब कुछ व्यर्थ है। मन मैले सब कुछ मैला होए, तन धोए मन अच्छा ना होए। इसलिए सदैव सदाचारी बनो, बुरे संग बुरे संकल्प विकल्पों व बुरे कार्यों से सदैव दूर रहो। निर्मल मन जिन वो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मंत्र मन को रोकने के कई उपाय हैं। सतोगुणी भोजन ग्रहण करने से मन भी सतोगुणी होता है। प्राणायाम द्वारा भी मन वश में हो सकता है। प्राण मानो घोड़े की भांति है तथा मन उस पर सवार रहता है। घोड़े को रोकने पर सवार भी रुक जाता है। घोड़े को पकड़ लिया तो उस पर सवारी करने वाला भी पकड़ा जाएगा। अभ्यास व वैराग्य द्वारा भी मन निर्मल होता है। मन को सुमार्ग पर लाने का अभ्यास करो और वैराग्य अर्थात खटाई। जब भी मन किसी विषय की चेष्टा करें तो उसे ज्ञान का कांटा चुभाओ। मन को बार बार समझाते रहो कि हे पागल, नाम को मत भूल। क्या सोवह नाम विसार, गाफिल गहेला किते इत दरिया मुंजन बहतिया। हे गाफिल मन, तुम क्यों नाम को भूल कर अज्ञान की नींद में सोए हुए हो। इस संसार सागर में कई बहते जा रहे हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। बोहड़ा हर चरण मन चढ़ लंघेई, आठ पहर गुण गाई साधु संगी। हे मन, हरि चरणों रूपी जहाज पर चढ़ तो संसार सागर से पार हो जाएगा। तू आठों ही पहर संतों के संग में प्रभु के गुण गाया कर। भोगा भोग अनेक विण नावाई सुंजिया, हर की भगत बिना मर मर रुआ। यद्यपि तुम अनेक विषय भोगों में लुप्त रहते हो, परंतु नाम के अतिरिक्त ये किसी काम के नहीं है। प्रभु भक्ति के बिना तुझे रो रो कर मरना पड़ेगा। जिय भाव तिय राखण हारा, तुझ बिन और न कोई निदर निहारिया। हे रखपाल प्रभु, जैसे चाहो वैसे इस दास को रखो। मैंने तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को भी नज़र से नहीं देखा है, अर्थात एक तुम ही मेरे पूजनीय हो। प्रतिपाली प्रभु, आप घट घट सारिए, जिस मन उठा आप तिसना विसारिए। हे प्रभु, तुम स्वयं प्रत्येक की देखभाल करके उसकी प्रतिपालना करते हो। हे प्रभु, जिसके मन में तुम बस जाते हो उसे कभी भी नहीं भूलते। जो कुछ करे सु आप आपन भाणिया, भक्ता का सहाई जग जग जाणिया। जो करते हो वह तुम अपनी इच्छा अनुसार करते हो। तुम हर युग में भक्तों के सहायक माने जाते हो। जप जप हर का नाम, कति न झूरिए, नानक दरस प्यास न लोचा पूरिए। हे मन, तू ऐसे प्रभु का नाम जप जिसके जाप से कभी भी दुख निकट न आवे। गुरु नानक देव फरमाते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन की प्यास है, अतः मुझे दर्शन देकर मेरी इच्छा पूर्ण करो। इस प्रकार मन को बार बार समझाया जाए तथा प्रभु को प्रार्थना करते रहें तो मन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा तथा मन सुमार्ग पर आकर सत्य आनंद प्राप्त करेगा। मन पर नियंत्रण रहेगा तो मन निर्मल हो जाएगा। कबीर, मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लगे हरि फिरे कहता कबीर कबीर। धन्यवाद। जय श्री राम।